दोस्तों, अल्सर के इस क्रम में आइए आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप के अल्सर की बात करते हैं, जिसको कि हम ल्यूपस वल्गरिस कहते हैं। ल्यूपस का शाब्दिक अर्थ वॉल्फ होता है। एक प्रकार की क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि त्वचा में होने वाली टीबी है। क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस त्वचा में होने वाला टीबी का रोग है बेसिकली, और मुख्यतया यह उन लोगों में अधिक पाया जाता है जिनमें के पहले से ट्यूबरकुलोसिस एग्जिस्ट करती थी और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया। कहीं ना कहीं उसकी जो पैथोलॉजी है वो बॉडी में यहाँ पे डेवलप होकर के इस प्रकार का समस्या उत्पन्न करती है। तो ये जो है बेसिकली पहला क्या हुआ, इनएडिक्वेटली डिजीज ट्रीटमेंट, प्रॉपर डिजीज का ट्रीट नहीं होना। दूसरा, जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन लगता है उस साइट पे भी ये देखने को मिलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये स्प्रेडिंग डेस्ट्रक्टिव लीजन है, यानी कि सपोज मुख्यतया ये फेस में होता है सबसे अधिक। फेस में कहीं एक कुछ नोड्यूल्स हुए और नोड्यूल्स में से छोटे छोटे अल्सर बने, बीच में से भरता चला गया और दोनों तरफ जो है वो फैलता चला गया। तो इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक एक टिश्यू को डेस्ट्रक्ट करने वाला एक ये घाव होता है बेसिकली। तो रैप स्प्रेडिंग है, फैलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव है, टिश्यू का नाश करने वाला ऐसा ये एक लीजन है। जहां तक इसकी साइट की बात है तो सबसे कॉमनेस्ट साइट जो है वो फेस होती है, और फेस से ये कई बार नोज की तरफ, कई बार ईयर की तरफ फैलता जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो कॉमनेस्ट है, लेकिन हाथ और फोर आर्म पे भी ये देखने को मिल जाता है। तो जो इसकी प्रारंभ होती है सबसे पहले, ये एक एप्पल जेली कलर का नोड्यूल, यानी कि छोटे छोटे नोड्यूल जैसे बन जाते हैं। उन नोड्यूल्स में नॉर्मली जैसे ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली सबसे पहले नोड्यूल बनते हैं, फिर उनमें अंदर केजियटिंग यानी कि गलन की प्रक्रिया हो जाती है, और गलने के बाद वो फिर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं, और अल्सर होने के बाद बीच में से भरते रहते हैं और चारों तरफ वो फैलते रहते हैं। और यदि ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं किया जाए तो वो काफ़ी बड़े एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और इसमें जो है बेसिकली कंजेशन होगा उस पर्टिकुलर पार्ट में। ऐसा इसलिए होगा कि सपोज जहाँ पे नोड्यूल बन रहे हैं उसके आसपास की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो एक प्रकार से जो है ये स्वेल कर जाता है, यानी कि कंजेशन, यानी कि उस फेस पर पे ओडिमा डेवलप हो जाता है, लिम्फेटिक ओडिमा डेवलप हो जाता है। जब ये नोड्यूल आगे छोटे छोटे अल्सर बनाते हैं तो वहां पे रेड कलर के प्लेक्स या स्किन की हाइपरट्रोफी, जिसको हम हाइपरकेरेटोसिस कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है। तो ये बड़ा एक डिसफिगरिंग टाइप का एक अल्सर बन जाता है बेसिकली। और इसका जब ये प्रारंभ होता है तो यदि हम एक ग्लास स्लाइड से इसको थोड़ा सा प्रेस करें तो जो हाइपरीमिया यानी कि रेड रेडनेस होती है वो टेम्परेली डिसअपियर हो जाती है, यानी कि ग्लास स्लाइड से प्रेस करने से ये टेम्परेली डिसअपीयर हो जाती है। ये एक इसका लक्षण होता है। तो जहाँ तक हम इन्वेस्टिगेशन पे बाद में आते हैं, सबसे पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल मतलब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस के त्वचा में ऊपर की तरफ सुपरफिशियल सिंगल और मल्टीपल नोड्यूल सबसे पहला लक्षण होता है कि त्वचा के ऊपर सुपरफिशियली छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं बेसिकली। उसके बाद क्या होगा, ये नोड्यूल में जब केजिएटिंग होगा, गलन की प्रक्रिया आरंभ होगी, तो ये फूट करके छोटे छोटे, सिंगल है तो सिंगल और मल्टीपल सुपरफिशियल अल्सर्स बन जाते हैं। छोटे 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 अल्सर यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं और बीच में से ये भरते रहते हैं, यानी कि स्कार बनता रहता है, यहाँ पे स्कारिंग होती रहती है, और नेक्रोसिस यानी कि गलन की प्रक्रिया, कहीं स्कार बनेगा फिर दूसरी तरफ गलन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके लक्षण टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस जैसे होते हैं, अंडरमाइंड एज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ जो ट्यूबरकुलस अल्सर के लक्षण होते हैं, और ये डिसफिगरिंग होता है, ऑब्वियसली डिसफिगर करता है उस जगह को। इसमें सेंटर में हीलिंग होती रहती है, यानी कि यदि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नोडुल बने तो बीच में से हीलिंग होती रहेगी और चारों तरफ ये स्प्रेड करता रहेगा। तो इस प्रकार से वो एरिया बहुत ही डिसफिगर हो जाता है। तो बीच में हीलिंग होगी और जो पेरीफ्री होगी वहाँ पे एक्टिव डिजीज बेसिकली बनी रहती है, पेरीफ्री में एक्टिव डिजीज बनी रहती है। और फेस में जो है ये नाक म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर लेता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। फेशियल एडिमा होगा ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि लिम्फ की जो वेसल्स होती हैं जो ड्रेन करती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाता है तो जिस प्रकार से एलिफेंटेसिस हो जाता है, फैलोपियन
फाइलेरिया हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ओडिमा हो जाता है। लिम्फेटिक ओडिमा जो होता है, वीनस ओडिमा को दबाया जा सकता है, लेकिन लिम्फेटिक ओडिमा थोड़ा हार्ड होता है। और यदि ये ट्रीट न किया जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी कि कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकली और उसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट होते हैं, इसमें दो मुख्य हैं। एक तो बायोप्सी, यानी कि लीजन की यदि हम बायोप्सी लेंगे वहां से, तो उसमें क्या मिलेगा, एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमा, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण है, एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमा। और दूसरा लैंगहैंस जियांट सेल, जियांट सेल इसमें मिलती है और ये एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमा मिलता है, ये ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण होता है, तो ये मिलेगा। और वहां से जो सिक्रीशन आ रहा है उसकी एएफबी स्टेनिंग कराने से एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया प्राप्त हो सकता है। तो ये मैंने आपको ल्यूपस वल्गरिस के बारे में एक छोटी सी बात बताई। थैंक यू वेरी मच।